हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देखते हैं आपके जो पर्सन हैं, जो आपके इस वक्त माइंड में हैं, जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार और पर्सन के बारे में सोचते रहिए और सवाल के बारे में सोचते रहिए, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड। पहला कार्ड है 4 ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ स्पेड और 7 ऑफ हार्ट। तो आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है? तो आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था पास्ट का, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को लेके स्टेबल फील करते थे या आपके पर्सन फील करते थे, दोनों के बीच में एक स्टेबल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है पास्ट का, ठीक है। और एक दूसरे के साथ आपकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी, गहरी थी, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। पर अचानक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, या तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से रिलेशनशिप, वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं एंड हो गया और उसके कारण नेगेटिव इमोशंस आ गए, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, नेगेटिव इमोशंस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर एस ऑफ डायमंड है और 4 ऑफ स्पेड भी है, ठीक है। तो यहाँ लगता है कि किसी या तो आपके पर्सन या आपकी कहीं दूसरी जगह इंगेजमेंट होने की वजह से या दूसरे किसी रिलेशनशिप की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में एंड हो गई, ठीक है। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो गया। यहाँ पर एस ऑफ डायमंड मुझे यहाँ से भी बता रहा है कि चीज़ें जैसे अब शुरू होना भी मुश्किल है, इस तरीके की आपके कोई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और किसी चीज़ को लेकर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, शायद रिलेशनशिप में सब कुछ दोबारा से शुरू करना, ठीक है, वो बहुत टायरसम टाइप का हो गया है और एक अनहेल्दी रिलेशनशिप बन चुका है। हो सकता है मनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ हार्ट और यहाँ पर है 7 ऑफ हार्ट, ठीक है। क्वीन ऑफ हार्ट यहाँ बता रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक ऐसा चाह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक बार दोबारा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। एक दोबारा चांस चाहते हैं, दोबारा सब कुछ नींव से शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा केयरिंग टाइप के पर्सन हैं, पर बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, रोमांटिक और ये पैशनेट पर्सन हैं। अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिमना, लिब्रा, एक्यूरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनके लिए हमने अभी देखा कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। कोई एक पर्सन चाह रहा है कि दोबारा रिलेशनशिप में मौका मिलना चाहिए, देखते हैं वो आप है, आपके पर्सन है। पर सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड। ठीक है, आपके पर्सन
पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन दो सिचुएशन के बीच में स्टक हैं। ठीक है, एक हो सकता है दो सिचुएशन में इनका करियर भी हो सकता है, या पैसों का, जैसे आया था कार्ड्स, ठीक है, पेंटिकल्स का आया था, डायमंड कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं कुछ काम की वजह से ये पर्सन दूर है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपके पर्सन की करेंटली फीलिंग्स मुझे ये नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि किसको चूज़ करें, अपने करियर को चूज़ करें या आपसे मिलने आए, या फिर अगर इनके लाइफ में ऑलरेडी दो ऑप्शंस हैं, फैमिली या फैमिली और आपके बीच में, या कोई थर्ड पर्सन और आपके बीच में, तो दोनों को लेके ऐसा लगता है कन्फ्यूजन में है क्या करना चाहिए। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स आया है, ये हो सकता है कि कोई रोमांटिक कनेक्शन के तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, जो दो ऑप्शन है, कोई दो रोमांटिक पार्टनर्स के बीच में आपके पर्सन को सिलेक्ट करना है और वो उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रपोजल देना चाहते हैं, पर अभी कन्फ्यूजन वाले स्टेट में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा तो चाहते हैं कि आपके तरफ एक सेकेंड चांस, शायद आपके पर्सन ही चाहते हो। यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपके तरफ अपना कप लेकर आएंगे, ठीक है, अपना प्यार भरा कप लेकर आएंगे, तो उनको लगता है कि नहीं पता कि जस्टिस होगा कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप उनके प्यार को रेसिप्रोकेट करोगे कि नहीं, तो उनको यही लग रहा है कि क्या आप भी उनसे वही प्यार रेसिप्रोकेट करोगे जैसा कि वो फील करें आपके लिए, कि आप भी उसमें एफर्ट पुट ऑन करोगे, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो पास्ट की किसी बात को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम, एनर्जी, अपने तरीके से आप सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे थे। पर अब ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट है कि पास्ट में उन्होंने ऐसा किया आपके साथ। ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। साथ में देखिए, यहाँ लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए इस वक्त आपके पर्सन के दिल में लव इमोशंस है, और ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं इन बातों को सोच के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपकी जो एनर्जी है वो अट्रैक्ट करी है अपनी, और आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो प्यार है वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस वजह से ये पर्सन कोई फास्ट एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है फैमिली रीजंस, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी फैमिली की वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनके खुद के अंदर ही एग्रेशन जो है बढ़ते जा रहा है। तो कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई कर लेते हैं जिससे और डीप में ये रीडिंग हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड आया है, तो ये पर्सन इसलिए डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आप हो सकता है इस रिलेशनशिप से अपनी एनर्जी कट ऑफ कर चुके हो, आप ही अब शांत हो चुके हो, साइलेंस ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, और साथ में आप ही इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, आप हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे रिलेशनशिप को लेकर, खुश रहते थे, पर आप देख रहे हैं कि अभी आप ही शांत हो चुके हो और आप बात नहीं कर रहे हो, आप कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप साइलेंस के होने की वजह से ये पर्सन अपसेट फील कर रहे हैं। और यहाँ देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा है कि ये प्यार जो है रेसिप्रोकेट नहीं होगा, उनको लग रहा है कि वो आपके तरफ अगर प्यार का कप लेकर आए, अपना ऑफर आपको दिया, तो आपका फोकस अभी दूसरे चीज़ों में है, आपका फोकस अभी कोई थर्ड पर्सन पे है, या फिर आपके लाइफ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ है उसमें आपका ध्यान है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ टू ऑफ वैंड्स को कवर करता हुआ एट ऑफ सोर्ड आया, डेफिनेटली माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक है कि एक्शन लूँ या नहीं लूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं और एक मेंटल प्रिजन में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस डिसीजन को लेकर कि इन दोनों जो चॉइसेस हैं उनमें से मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या मेरे व्यूअर्स को, मतलब आपको कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज है, या फिर दो सिचुएशन है, दो रिलेशन है, उनके बीच में ये पर्सन स्टक है। ठीक है, और आपके नई बात करने से बहुत ज़्यादा फर्क इस पर्सन पे पड़ा है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऐसे में नाइट ऑफ कप्स मुझे लगता है कि पास्ट में हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे और
फ्लर्ट करने की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप को ग्रांटेड लेते थे, सीरियस नहीं थे, तो अब इनको उन बातों का सब कुछ याद आ रहा है कि उसके वजह से ही आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और हो सकता है आप ही रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए थे, क्योंकि ये पर्सन जो है हमेशा सीरियस नहीं थे आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, और क्वारल्स आप दोनों के बीच में हुआ था, तो प्यार होने के बावजूद भी आप हो सकता है इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किए थे, ठीक है, या फिर ये पर्सन ही किए थे, क्योंकि ये पर्सन उस वक्त इतने सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सिक्स सॉरी लवर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर है एम्प्रेस, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन के दिल में बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं आपको लेकर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, साथ में आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है, और उनको लग रहा है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर हो। देखते हैं कि इनका कुछ नेक्स्ट एक्शन है, अगर इतना कुछ दिखा रहा है। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स और एस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पर कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, कंफ्यूजन की एनर्जी से है। देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंट्स, आपसे प्यार भी है साथ में फिजिकल अट्रैक्शन भी है, पर कंफ्यूजन में है। किस चीज़ का कंफ्यूजन है? इस चीज़ का कंफ्यूजन होगा कि आपके पास और भी तो ऑप्शंस नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। देखिए एक स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एक स्टेप लेना चाहते हैं ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, ठीक है, इन 1 मंथ टू 1 वीक, 1 वीक टू 1 मंथ के अंदर आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंजेस आएगी। ये पर्सन आपके तरफ एफर्ट तो करेंगे और अपनी पुराने किसी बात को लेकर, बात के लिए आपसे माफी भी मांग सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, क्योंकि मेरा इसमें माइक ऑफ हो गया था तो मैं इसे दोबारा इसे रिकॉर्ड की हूँ, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको रेजोनेट हुई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।